हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरे भाचुंदा गांव का गेट, जो गुजरात में अबड़ासा तालुका है, कच्छ। तो ये भाचुंदा गांव है, हम लोग आपको इसके अंदर का सब बताएंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे। मंदिर है, बहुत सारे तालाब है अच्छे अच्छे। तो फिर हम लोग आपको इसके अंदर का एक झलक बताएंगे कि कैसा है मेरा गाँव। कोई आज तक अपने गांव का कोई टूर नहीं दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव यूट्यूब पे आए और लोग मेरे को और मेरे गांव को देखे साथ में। तो दोस्तों, शुरू होता है यहाँ से भाचुंदा गांव, और ये मेरा गांव है। मेरे गांव का यहाँ पे ये भी लगा हुआ है पोस्टर। तो यहाँ से शुरू करते हैं, भाचुंदा गांव का अंदर का सब आपको बताएंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो कबूतर खाना है, जो हमारे भाचुंदा गांव का सिंबल है। और ये कबूतर खाना 80 से 100 साल पुराना है। यहाँ के जो हमारे पूर्वज थे, तो उन्होंने ये मतलब ये हमारे गिफ्ट दिया है कि आप लोग कबूतर को खाना एक भला काम करना। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बस स्टैंड 1985 में बनाया हुआ था। यहाँ पे दिन में 5 से 6 बस आती है, और वो बस मतलब बूच, कोठारा, नलिया, बेता, जो यहाँ के गांव है, तो वहाँ पे जाती है। और ये 1985 में बना हुआ था। अभी भी इसके ऊपर डेट लिखा हुआ है, अगर आप गुजराती हो तो आपको समझ आएगा। सो गाइस, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, वो मैं अभी जा रहा हूँ भाचुंदा, मेरे गांव के बिलेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि 1200 साल पुराना है। बहुत जूना मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। तो आप पूरा व्लॉग देखना, यहाँ पे धूप भी काफ़ी है, ठंड थोड़ी कम हो गई है। सो आप देखिए आगे। देखिए दोस्तों, हमारे गांव में, हमारे भाचुंदा गांव में पंजाब का नज़ारा। कौन कहता है कि पंजाब सिर्फ एक ही है, पंजाब हर जगह है। देखिए, हम लोग आ रहे थे और हम लोग को ये खेती मिल गई है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ बिलेश्वर महादेव के मंदिर पे, और मैं आपको अंदर के सीन्स बताता हूँ, आप पूरा व्लॉग इंजॉय कीजिए। हमें बिलेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर हनुमान दादा जी की एक मूर्ति मिली है। और कुछ साल पहले जब भी बिलेश्वर महादेव का रेनोवेशन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बाहर बताया गेट पे, तो तब भी ये मूर्ति को उठा रहे थे, कुछ इसका काम था कलर बलर का। तो फिर तभी यहाँ पे 20 से 30 लोग आए थे, आज तक इसको कोई नहीं उठा पाया। ये इतनी बारी है, ये एक अद्भुत चमत्कार है हनुमान दादा जी का। सो देखिए, मैं बिलेश्वर महादेव जी के मंदिर के मेन मंदिर होता है वो गेट था, ये मेन मंदिर है, तो इसके अंदर आ गया हूँ। अंदर की मैं सीन बताऊँगा। उसके अंदर शिवलिंग है, जो कि 1200 साल पुरानी है। आप इमेजिन कर सकते हो 1200 साल किसको बोलते हैं, हम में से कोई नहीं था तभी। और आप शिव भगवान के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय महादेव लिख दो। गाइस देखिए, मैं बिलेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर हूँ, और यहाँ पे नंदी की बड़ी प्रतिमा भी है। और ये शिवलिंग जो है वो 1200 साल पुरानी है, और ये शिवलिंग अपने आप प्रकट हुई है जमीन के अंदर से। आप देखिए, बहुत जूना है यहाँ पे, देखिए। और ये चांदी का पूरा बना हुआ है, पहले ये पूरा ब्लू कलर के ब्लैक पत्थर का था। देखिए आप ऊपर, देखिए ऊपर, बहुत पहले का ये मंदिर। और बिलेश्वर महादेव की जय। सो ये है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, और हमने जो आपको पहले बताया वो बिलेश्वर महादेव जी का मंदिर था। वो बिलेश्वर महादेव जी का मंदिर 1200 साल पुराना था, और ये 300 साल पुराना है। और ये भी बहुत अच्छा मंदिर है।
गाइस आप मंदिर का वाइब्रेशन देखिए, मेरे पापा ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और यहाँ की जो वाइब है मंदिर की वाइब हमेशा अच्छी होती है, तो आप देखिए कैसा वाइब आ रहा है, एकदम वाइब्रेशन हो रहा है, अपने मतलब अपने ब्रेन को शांति मिल रही है यहाँ पे आके। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी मैं आपको मंदिर के ऊपर का ध्वजा का दर्शन करवाता हूँ। आपने मंदिर के दर्शन तो किए रहेंगे लेकिन ध्वजा का दर्शन नहीं किया रहेगा, तो आप कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए ये अब्दुल अजीज भाई की ये चक्की है, गांव की चक्की ऐसी होती है, आपने पहली बार देखी रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी चक्की होती है, अब्दुल अजीज चक्की है जो भाचुंदा गांव में है। हमारे भाचुंदा गांव में मंदिरों के साथ में मस्जिद भी है जो हमारे मुसलमान भाई आते हैं और यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप मेरे जो पीछे देख सकते हैं तो ये स्कूल 150 इयर्स पुरानी है, क्योंकि आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो मेरे पापा है और उनके पापा है, जो मेरे दादा है वो 70 इयर्स के और उनके दादा जो थे वो ये स्कूल में पढ़ते थे। मतलब आप समझ लो ये तकरीबन ये 20 या 150 इयर्स पुराना ये स्कूल है। दोस्तों मैं आपको पुराने स्कूल की एक झलक दिखाता हूँ। ये स्टोर रूम है, ये जो है ये क्लासरूम है और ये प्रिंसिपल ऑफिस है। बस इतना ही था पहले का स्कूल और इससे बड़ा नहीं होता, लेकिन जो क्लासरूम्स होते वो बहुत बड़े होते हैं अंदर। और ये स्कूल अभी पूरी तरीके से बंद पड़ा है। दोस्तों हमें थोड़ी सी झलक देखने के लिए मिल गई और आपको भी एक टूटी हुई खिड़की थी जो टूट चुकी थी आधी। और देखिए अंदर स्कूल अभी भी इतना अच्छा कलर सब किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैडम पढ़ाती थी और यहाँ पे बेंच पड़े, बहुत पहले की स्कूल है, ये एक यादगिरी हो जाएगी जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उनकी। जब भी स्कूल में रिसेस पड़ती थी और यहाँ पे पानी पीने आते थे बच्चे, जैसे कि बच्चे नहीं बोल सकते अभी, वो तो बूढ़े हो चुके, मेरे दादा के पापा जो थे और मेरे दादा थे, तो फिर उनकी ये एक यादगिरी है। और देखिए नल तो टूट चुके लेकिन यादें अभी तक अंदर ही है और यादें को कोई मिटा नहीं सकता, यादें ही रहती है। तो तालाब के किनारे पे आयु माँ का मंदिर है जो हमारे शरीर में कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है जैसे कि घुटनों का दर्द या कुछ बीमारी, तो इनके पास हम लोग ना मानता रख के कर सकते। तो हम लोग अभी आए हैं आय श्री कम श्री माँ का मंदिर जो तालाब के लेफ्ट साइड में है। और ये तकरीबन ये 150 इयर्स पुराने माँ है और इनके पास बहुत दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, तो आप भी वीडियो में से माथा टेक लेना। दोस्तों आप मेरे पीछे जो झाड़ देख रहे हैं ये 125 साल पुराना है और ये बिल्कुल ये तालाब के मतलब नज़दीकी, ऐसे झाड़ बहुत कम मिलेंगे, प्लीज़ इसे काटिए मत, और बहुत लोगों को ये छाव भी देता है। तो आप मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं ये तालाब 200 साल से सूखा नहीं और 500 साल जूना तालाब है और ये गांव ये मीठे पानी का तालाब है जो 10-12 गांव में ऐसा मीठा पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये इतना मीठे पानी का ये तालाब है। और मंदिर के बिल्कुल बाजू में ही है और ये जो झाड़ है ये झाड़ 125 साल पुराना झाड़ है जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये लगा के दिया था। ये झाड़ आज भी बहुत लोगों को छाया देने के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों आप इनसे मिलिए, ये मेरे
ये मेरे पापा हैं और ये उनके काका है, मतलब मेरे दादा के भाई। और मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ कि ये मेरे व्लॉग इधर देखने हैं और ये मेरे व्लॉग के प्रोड्यूसर भी है। कुछ बोलोगे? ये लड़का जो अभी आगे बढ़ रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही। पर हमारे परिवार में ऐसा कोई लड़का नहीं हुआ जो अभी छोटे में इतना काम करके गया और आगे बढ़ा। उसको इतनी खुशी है कि ब्लॉग बनाने में, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। थैंक यू काका। दोस्तों यहाँ पे आराम मिल रहा है। मैं मेरे भाचुंडा गांव है, वहाँ के तालाब के सीढ़ियों के यहाँ पे बैठा हूँ और पीछे एकदम ठंडी चिल लहरें आ रही है और यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी है जो मतलब विंटर सीजन में होता है और ये कभी सूखा नहीं है। और यहाँ पे हमें बैठ के इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि ऐसा कोई तालाब नहीं रहेगा क्योंकि तालाब सब सूख चुके। ये एक तालाब है जो कि माता जी का आशीर्वाद है तालाब के ऊपर। सो यहाँ पे मैं एकदम आराम से बैठ सकता हूँ, कोई चिंता नहीं, आराम से यहाँ पे हवा खा के टेंशन फ्री होके बैठ सकता हूँ। दोस्तों आपको अगर स्विट्जरलैंड जाना हो तो प्लान कैंसिल कर दो, सीधा टिकट बुक कर दो भाचुंडा आने की, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है वो आपको स्विट्जरलैंड या अमेरिका कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो गांव में माहौल मिलता है वो कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे कछुए फिश है जो मैं पैर डाल के बैठा हूँ आराम से, तो ये आपको स्विट्जरलैंड में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए ये बेले हैं जो बहुत मजबूत होती है, जो समुंदर के बाजू में जो झाड़ है तो ऊपर बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे, तो मतलब गांव के बच्चे खेलते भी हैं लेकिन हमें डर लगता है। तो देखिए हजारों की तादाद में बेले हैं और यहाँ पे मतलब तालाब के बाजू में हवा आ रही है, मस्त है इधर पे। तो प्लीज़ एक बार आप कच्छ विजिट कीजिएगा और आपको आनंद आए तो फिर मेरा नाम मिटा देना। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भानुशाली कच्छी जो भाचुंडा में वाड़ी है, तो ये हमारी वाड़ी है। ये वाड़ी ने हम लोग को बहुत साथ दिया, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुए थे, सम्मान समारोह, फिर गरबा होते थे यहाँ पे। तो फिर इसके लिए यहाँ पे अभी सिर्फ गरबा ही होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी नई वाड़ी है। देखो ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये वाड़ी है, यहाँ पे अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं जो कच्छ में हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब रूम दिया गया है, तो कोई भी अगर आता है तो यहाँ पे रूम मिलता है। और ये हमारी वाड़ी आपको अंदर से बता देता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसको डेला बोलते हैं, जो ये वाड़ी में खाना खाते और खाना खाने के बाद यहाँ पे बैठते आराम करते, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बुजुर्ग बैठते। देखिए ये आराम करने की सीट है यहाँ पे। दोस्तों आप सामने देख रहे हो ये वाड़ी का ऑफिस है, यहाँ पे सब हिसाब किताब देखते, और वो जो आप देख रहे हो वो वहाँ पे खाना खाने के बाद हाथ धोते। ये वॉशरूम्स और यहाँ पे ये रेस्ट रूम है और यहाँ पे ये रसोई घर है। देखिए ये दो रसोई घर है, यहाँ पे खाना बनता है और यहाँ पे टेबल या ये सब लगा के यहाँ पे खाना खाते हैं। और यहाँ पे गरबा भी खेलते, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। ये वाड़ी में बहुत जूनी वाड़ी है, देख लो आप, बहुत अच्छा है। अभी इसको बंद कर दिया है, सिर्फ गरबा के लिए यूज़ करते। नई वाड़ी ये देखो, इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये नई वाड़ी है। दोस्तों आप सामने देख रहे हो यहाँ पे पंगत बिठाई जाती थी खाना खाने के लिए, लेकिन अभी ये तो काफ़ी साल पुरानी है तो फिर यहाँ पे कोई पंगत बिठाई नहीं जाती है। यहाँ पे सिर्फ सामान रखने के लिए काम आता है। और देखिए सामने, सो गाइस अभी हम लोग खेतर पार दादा के मंदिर पे आए हुए हैं और हम लोग थोड़ा रास्ता भूल गए थे। वो जो जंगल दिख रहा है आपको, वो जंगल में हम लोग 1.5 किलोमीटर भटक गए थे और हम लोग को 5 किलोमीटर हुआ आए हुए। और ये मंदिर मतलब रियल में 3 किलोमीटर है लेकिन हम लोग 2 किलोमीटर भटक गए। तो देखिए ये मंदिर खेतरपार बापा का, देखिए बहुत साल पुराने, तकरीबन 200 साल पुराना इनका ये है। देखिए ये सांप के रूप में होते हैं, आप दर्शन कर लीजिए फ़ोन में। सो गाइस अभी हम लोग
खेतर पार दादा की जो वाय थी पहले ज़माने की, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बनाई थी ये पीछे रहा मंदिर और ये रिवाय, लेकिन पूरी टूट चुकी है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, एक मिनट मैं रिवर्स कैमरा करता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है और देखिए ये 200-300 साल पुराना है और ये राजा महाराजा के बंकर्स होते थे। अंदर ये लोग तलवार तोप ये सब ये लोग बनाते थे, आप देख सकते हैं बहुत अंदर है, 200 फुट अंदर है, 20 या 30 मीटर है अंदर, यानी कि 200 फुट हो भी गया। और ये बहुत रिस्की है, हम लोग तो मतलब दूर दूर से ही बता रहे क्योंकि मेरे पास सेल्फी स्टिक है तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं तो यहाँ पे ही खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे पूरा टूट गया है आप देखिए, और बहुत रिस्की है क्योंकि हम लोग को बहुत डर लग रहा है, हम लोग सेल्फी स्टिक के द्वारा आपको बता रहे बहुत अंदर तक है। आपको ये आपको वीडियो में मैं जस्टिस नहीं कर सकता क्योंकि इतना ये अंदर तक है। और एक और कुआ था लेकिन वो बंद कर दिया ये लोगों ने, ये खुला है आप देखिए, कोई गिरा मतलब समझो भाई गया, वो मिलेगा भी नहीं इतना अंदर है ये। देखिए आप देख रहे रहेंगे, मैं मतलब मैं पूरा देख भी नहीं पा रहा, हम लोग को इतना चक्कर आ रहा है, इतना नीचे है ये आप देखिए, बहुत नीचे तक है। और हम लोग को तो डर लग रहा है, हम लोग तो भी यहाँ से फटाफट जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है। और हम लोगों ने खेतर पर दादा को हम लोगों ने दर्शन भी कर लिया है, तो आप ये व्लॉग को इन्जॉय कीजिए, हम लोग ऐसे ही आपको और बताते रहेंगे, तो आप मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चलते चलते अभी हम लोग को एक और कुआं मिल चुका है, लेकिन ये पूरा कुआं आप देख सकते हैं इधर पे, ये पूरा कुआं पूरा टूट चुका है क्योंकि कुछ आया रहेगा भूकंप भीकंप बहुत साल पहले, क्योंकि 2001 में कच्छ में भूकंप आया था ना, तो तब का रहेगा क्योंकि मैं लिख के देता हूँ कि ये पत्थर तभी के टाइम का ही है। सो गाइस अभी तक हम लोग चल रहे हैं और हम लोग अभी थोड़े टाइम तक बैठे थे और अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है हम लोग को, आधा घंटा या एक घंटा होने को आया हम लोग को, आधा घंटा हो गया हम लोग को कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी एक दो मिनट बैठे थे और अभी भी कंटिन्यू चल ही रहे। तो देखिए सनसेट भी होने वाला है, देखो सनसेट होने वाला है, तो देखिए आप भी ब्लॉग इंजॉय कीजिए। सो गाइस आज का व्लॉग मैं माता जी के मंदिर के अंदर आके एंड कर रहा हूँ। सो गाइस आज के व्लॉग में इतना, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव ग्रुप कम्युनिटी हर जगह फैला दो। और गाइस मेरे आगे बढ़ने के पीछे मेरे बाजुंदा वाले, मेरे फैमिली, माता जी सबका हाथ है, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज बाजुंदा का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।